धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच 7 से 11 मार्च तक टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन तथा एचपीसीए के अधिकारियों के बीच सोमवार को क्रिकेट स्टेडियम में बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए AC2DC सुभाष गौतम ने बताया कि टेस्ट मैच के लिए दोनों ही टीमें 3 मार्च को धर्मशाला पहुँच जाएंगी तथा 4 मार्च से 6 मार्च दोनों की टीमें अभ्यास करेंगी। उन्होंने मैच के दौरान खिलाड़ियों तथा दर्शकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पुख्ता कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो आज बैठक रखी गई थी, इसमें ये बैठक जो है मुख्यतः जो 7 से 11 मार्च के मध्य जो है टेस्ट मैच भारत बनाम इंग्लैंड होना है, उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए रखी गई थी। इस बैठक में HPCA के पदाधिकारी भी मौजूद थे और इसके अतिरिक्त जो हमारे विभाग रहते हैं जिनके सहयोग की आवश्यकता होती है मैच की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनके अधिकारी भी उपस्थित थे। यहाँ जो हमने चर्चा की है, जो समस्त तरह की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहें मैच के आयोजन के दौरान, चाहे वो यातायात से संबंधित व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त जो हमारी विभिन्न सुविधाएं रहती है, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था है, सड़कों को सुचारू करने की व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू है, इसके अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं होती है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहती है, कैसे जो है ट्रैफिक की मूवमेंट रहे ताकि लोगों को जो है मैच तक पहुंचने में जो है किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके अतिरिक्त उनको कैसे गाइड किया जाए कि कहाँ उनको गाड़ी पार्क करनी है, किस रूट से उनको आना है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, और समस्त तरह की सुविधाएं जो है उनको प्रदान की जानी है, जो दर्शकों को और जो टूरिस्ट लोग भी आने हैं शहर के अंदर उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके संबंध में चर्चा की गई है। इसके बाद जो है हमने एक विज़िट भी किया है स्टेडियम में सभी अधिकारियों ने अलग अलग प्लेसेस पे, ताकि मौके का जो है सामने जायज़ा लिया जा सके कि क्या क्या व्यवस्थाएँ जो है पूर्व की भांति चलनी है और कौन सी व्यवस्थाएँ जो है जिनमें कोई सुधार किया जाना है जो हमारी प्रीवियस लर्निंग्स है। खामियां तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो है जो हम पूर्व में जो है ऐसा नोट करते हैं कि ये व्यवस्था में थोड़ी कमी रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए जो करेक्टिव मेजर लेने होते हैं, तो वो मौके पर जाके MC के पदाधिकारियों से और HPCA के पदाधिकारियों के साथ डिस्कस करने के बाद उनमें कुछ जो है व्यवस्थाएं परिवर्तन का वो जो है जायज़ा लिया गया है। जैसे हमारा जो वेस्ट कलेक्शन होता है उसको कैसे जो है डंपिंग साइट तक पहुंचाया जाए और हमारा जो स्टेडियम का एरिया है वो साफ़ सुथरा रहे और शहर साफ सुथरा रहे, उसके संबंध में चर्चा की गई। हिमाचल प्रस्तुत के लिए धर्मशाला से राकेश कुमार की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।